नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का साइबर अप सोल्यूशन में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरटेल हेलो ट्यून यानी कॉलर ट्यून फ्री में एक्टिवेट करने के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, अगर आप एयरटेल में कॉलर ट्यून एक्टिवेट करते हो तो उसके लिए आपको मंथली 30 रुपये प्लस 15 रुपये डाउनलोडिंग चार्ज, टोटल 45 रुपये देना पड़ता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप फ्री में कॉलर ट्यून कैसे एक्टिवेट कर सकते हो। चाहे आप एक दिन में 10 बार एक्टिवेट करो, 20 बार करो, 50 बार करो या फिर 100 बार एक्टिवेट करो, तब भी आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप लोगों को नहीं पता कि एयरटेल में कॉलर ट्यून फ्री में एक्टिवेट कैसे करते हैं तो उसके लिए पूरी वीडियो को आप आखिर तक देखते रहिए, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कॉलर ट्यून एक्टिवेट करने से पहले आप लोगों को प्ले स्टोर से विंक म्यूजिक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। अगर आप लोगों का ऑलरेडी डाउनलोड है तो प्ले स्टोर में जाके विंक म्यूजिक एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए लेटेस्ट वर्जन में। उसके बाद आपको एयरटेल के नंबर से लॉगिन करना होगा जिस नंबर पे आप कॉलर ट्यून एक्टिवेट करना चाहते हो। लॉगिन करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और सबसे ऊपर आप देख सकते हो सर्च के बटन के राइट साइड में आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा हेलो ट्यून का। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे जितने भी सॉन्ग्स है वो सारे सॉन्ग्स आ जाएगी। इनमें से आप कोई भी सॉन्ग्स को सेलेक्ट करके अपना कॉलर ट्यून एक्टिवेट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी कॉलर ट्यून एक्टिवेट कर रखा है और इसकी वैलिडिटी दिखा रहा है 27 जुलाई 2019 तक। तो जब भी आप कोई भी कॉलर ट्यून एक्टिवेट करोगे वो कॉलर ट्यून 30 दिन तक वैलिड रहेगा, 30 दिन के बाद ऑटोमेटिकली डीएक्टिव हो जाएगा। फिर से आपको मैनुअली विंक म्यूजिक एप्लीकेशन ओपन करके वो रीएक्टिव करना होगा। अगर आप सेम कॉलर ट्यून रखना चाहते हो तो आपको यहाँ पर मिलेगा एक्सटेंड वैलिडिटी का ऑप्शन, आप इसके ऊपर क्लिक करके फिर से 1 महीने के लिए फ्री में कॉलर ट्यून एक्टिवेट कर सकते हो। या फिर ये नीचे जितने भी सॉन्ग्स हैं इनको सेलेक्ट करके अपनी कॉलर ट्यून को चेंज कर सकते हो। तो जैसे मैं आप लोगों के सामने चेंज करके दिखाता हूँ, कबीर सिंह मूवी का गाना है। अब यहाँ पे ऑप्शन है एक्टिवेट फॉर फ्री, इसके ऊपर क्लिक करना होगा और आप लोग देख सकते हो मेरा कॉलर ट्यून एक्टिवेट हो चुका है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, पहले मैंने लुका छुपी मूवी का दुनिया सॉन्ग से कॉलर ट्यून एक्टिवेट करके रखा था, अब मैंने कबीर सिंह मूवी का बेख्याली सॉन्ग से कॉलर ट्यून एक्टिवेट कर लिया है। आप जितनी बार एक्टिवेट करोगे उतनी बार आपका कॉलर ट्यून एक्टिवेट होगा बिल्कुल फ्री में। आप जितनी बार कॉलर ट्यून एक्टिवेट करोगे उतनी बार आपका कॉलर ट्यून फ्री में एक्टिवेट होगा। ये कॉलर ट्यून 1 महीने के लिए वैलिड होएगा। ये कॉलर आप जितनी बार कॉलर ट्यून एक्टिवेट करोगे उतनी बार कॉलर ट्यून फ्री में एक्टिवेट होगा। ये कॉलर ट्यून अगले 30 दिन तक वैलिड रहेगा। 30 दिन के बाद फिर से आपको विंक म्यूजिक एप्लीकेशन ओपन करके रीएक्टिवेट करना होगा। तो ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है एयरटेल यूजर्स के लिए, क्योंकि अब आपको कॉलर ट्यून एक्टिवेट करने के लिए 45 रुपये नहीं देना होगा। तो जैसे कि आप सभी को पता है, जियो के कस्टमर को जियो की तरफ से कॉलर ट्यून सर्विस बिल्कुल फ्री में मिलता है, अब एयरटेल के कस्टमर को भी एयरटेल की तरफ से कॉलर ट्यून सर्विस बिल्कुल फ्री में मिलेगा। अगर आपने अपने नंबर को रिचार्ज करवा के नहीं रखा है, चाहे वो अनलिमिटेड पैक हो या फिर मिनिमम 35 रुपये का, तब भी कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप कॉलर ट्यून फ्री में एक्टिवेट करवा सकते हो। अगर आपके घर में कोई कीपैड फोन है और आप चाहते हो उस फोन में भी आप कॉलर ट्यून एक्टिवेट करो, तो आपको इस अकाउंट को लॉग आउट करना होगा और कीपैड फोन में जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर से लॉग इन करना होगा। सेम यही प्रोसेस फॉलो करके आप उस कीपैड फोन में भी कॉलर ट्यून फ्री में एक्टिवेट करवा सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा कि फ्री में कॉलर ट्यून कैसे एक्टिवेट करना है। तो बस आज के लिए इतना ही था। मुझे उम्मीद है मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में।